लालू के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक ओर रांची कोर्ट ने लालू यादव को कल कोर्ट में सरेंडर होने का आदेश दिया है, वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जहां आरसीटीसी मामले में तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 31 अगस्त को पटियाला कोर्ट में पेश होना है, वहीं दोनों मां बेटे दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहीं दूसरी ओर आज मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ केस किया गया है, जो सीजेएम ने स्वीकार कर लिया। उनके खिलाफ 500 और 504 के तहत मामला दर्ज करवाया गया था। आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के मंत्री सुरेश शर्मा की मिलीभगत का आरोप लगाया था, जिसके बाद मंत्री सुरेश शर्मा ने उन पर 1,000 करोड़ का मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। पटना से बिहार प्लस की रिपोर्ट। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर आप यूट्यूब पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।